नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। बहुत लंबे समय से शहरवासी जिस समस्या से जूझ रहे थे, आवारा पशुओं की समस्या, उसका निदान करने की नगर निगम की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन कुछ अड़चनें आ गई और उस अड़चनों के विरोध के लिए यहाँ पे जो है मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं नगर निगम की तरफ से हड़ताल की गई है, काम को बंद किया गया है। तो क्या रीज़न है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो प्रधान जी हैं बागड़ी जी, सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। चलो धन्यवाद सर। सर क्या कुछ ये सारा मैटर हुआ है और क्या इसमें अभी तक कार्रवाई हुई है? ये मैटर ये है कि हमारा गौ अभियान चला हुआ है और बड़े ज़ोरों से चला हुआ है। हमने बहुत सी गायें आवारा जो फिरती थी वो हमने पकड़ के अपने जो हमने वो डायरी बना रखी है उसमें रोक रखा है। अच्छा देख रेख भी अच्छी होती है और बढ़िया काम हमारी टीम कर रही थी, लेकिन उसमें अड़चने ये आती है जो पशुपालक होते हैं वैसे तो वो घर पे रखते नहीं। जब आवारा गांव को हम पकड़ते हैं तो वो पकड़ने की वजह वो हमारे पे हमले करते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं, हमें धमकाते हैं। अच्छा। हमारे कर्मचारियों को तो उसी को लेकर के 15 तारीख को हमने अभियान चला हुआ था महावीर कॉलोनी से हमने गांव पकड़ के वो गौशाला में भेज दी और फिर हम आज़ाद नगर हमारी टीम गई। अब वहाँ से भी हमने गाड़ी लोड करके जितनी गाय हमारे से पकड़ी गई तो उसको भी हमने गौशाला में भेज दिया। जैसे ही वहाँ से कार्य को पूरा करके हमारी टीम निगम की तरफ आ रही थी तो बाकी टीम के सदस्य तो गाड़ी में थे, योद्धा गाड़ी में थे, और तीन ये जो साथी थे वो एक्टिवा पे थे। अच्छा। और एक्टिवा की हवा कम होने की वजह से अपने प्रेमनगर कुमार धर्मशाला के साथ में एक साइकिल की दुकान है वहाँ पे वो हवा चेक कराने के लिए गए और वो गौपालक थे जो शरारती तत्व जो थे वो उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने इसी बात का फ़ायदा उठाया कि ये साथी अकेले हो गए और उनको तो मालूम नहीं था कि भाई ऐसा हो जाएगा, तो अचानक से उन पर रोड़ों से लाठियों से डंडों से हमला कर दिया। तो इस तरह का अगर उन्होंने किया है तो क्या पहले से कोई उनका लिंक था या इस तरह की कोई जानकारी थी, क्योंकि उनको एकदम से कैसे पता लग चला कि यही नगर निगम के लोग हैं? नहीं, वो निगम की जब टीम काम करती है ना तो वो इर्द गिर्द अपनी गायों को भगाते हुए उनके मतलब एडवांस चलते रहते हैं, उनके साथ साथ रहते हैं, उनको पता है ये निगम की टीम है और ये साथी एक्टिव है गाँव पकड़ने में, ये साथी रस्सा मारने में, उनको सब पता है। तो ये जो कृष्ण साथी था ये गाँव पकड़ने में बड़ा एक्टिव लड़का है और रस्सा मारने में अच्छा तरीका है इसको, तो उन्होंने इसको टारगेट पहले भी बनाया था। पहले हाथ नहीं लगाए, दूसरे साथी हाथ लगे उनके भी चोट चाट मार दी थी पहले भी। पहले हमने FIR दर्ज करी तो उसमें फैसले पर बात आ गई थी तो आपसी समझौता हो गया। ये तीसरी घटना है जी, ये घटना ऐसी गंभीर घटना है, उसमें कृष्ण जो हमारी टीम का साथी है उसमें उसकी दो उंगलियों में जो है इंजरी है, बिल्कुल फ्रैक्चर है, वो दो उंगलियां काम नहीं कर सकती, एक तरह से उसका हाथ ही मतलब इंजर्ड हो गया। तो ये बड़ी घटना है, इसलिए हमने अपने अधिकारियों से बात की, मेयर साहब से बात की, भाई दोषियों को जल्द से जल्द पकड़वाने का काम करें, क्योंकि नगर निगम की टीम आपके आश्वासन पे और आपके भरोसे पे काम करती है। उन्होंने हमारे को सिर्फ खाली आश्वासन दिया और कहते रहे आज पकड़वा देंगे, कल पकड़वा देंगे, मजबूरी में आके एक हफ्ता, आज छठा दिन है, एक छठे दिन में हमने ये यूनियन ने फैसला लिया कि निगम के अधिकारी और मेयर साहब हमारे लिए कुछ नहीं करते, हमें ही करना पड़ेगा। तो आज हमने सुबह से ही अपनी हड़ताल की कॉल दी और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम इस तरह से काम बंद करके यहाँ बैठे रहेंगे और प्रशासन और शासन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। अगर समय रहते फिर भी प्रशासन ने उनको नहीं पकड़ा तो हम अपने शहरों में प्रदर्शन करेंगे और अपनी दिक्कत और अपनी समस्या जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। बागड़ी जी, एक चीज़ ये भी आती है कि जो आवारा पशुओं की समस्या है, चलो ये चीज़ समझ में आती है कि कुछ लोगों की निजी गायें भी होती है, लेकिन जो आवारा दूसरी गायें होती है उनको भी नगर निगम द्वारा नहीं पकड़ा जाता और बार बार लोगों के द्वारा इस तरह का बोला जाता है कि हम आज इसको टक्कर मार दिया, आज इसकी मौत होगी, तो इस पर पकड़ते भी हैं तो ऐसी बातें आती है कि छोड़ दिया दोबारा से, इस तरह की क्या कुछ इसके बारे में? नहीं, ये झूठी अफवाहें। जो गायें हमारी टीम के द्वारा पकड़ी जाती है वो गौशाला में जाती है और गौशाला में जो गौ पालने वाले लोग हैं
वो बकायदा वहाँ पे जो फीस है वो रसीद कटवा कर के ही लेकर के आते हैं। ऐसे हमारी टीम कभी नहीं करती, आज पकड़ दिया सामने छोड़ दिया ऐसा नहीं करती। और रही बात भाई चोट लगने की, कुछ तो पब्लिक मैन भी ऐसा करते हैं कि सुबह के टाइम शाम के टाइम रोड के सारे सारे चारा घेर जाते हैं और पशु जब चारा खाते रहते हैं तो वो आपस में लड़ पड़ते हैं और वो टपने वाले यात्री को मुसाफिर को जो है इंजरी हो जाती है, वो उनकी लड़ाई में फंस जाता है। तो हमारी टीम नियंत्रण ये काम भी कर रही है। हम जब भी जिस भी साथी से हम मिलते हैं जो चारा डालता होता है उससे हम ये कहते हैं, आग्रह करते हैं, विनर निवेदन भी करते हैं कि भाई साथी ऐसा ना कर, हमारे बच्चे और आपके बच्चे एक हैं और इन्हीं रोडों पर घूमते हैं, हो सकता है कोई हमारे बच्चों पे इंजरी है पशु ना कर दे, ऐसा ना करके आप गौशाला में दान करें या इस तरह का कोई स्थान देखें जहाँ पे कोई पब्लिक आती जाती ना। ओके, तो अभी जो आपके साथी हैं उनकी कैसी सिचुएशन है, वो उनको हॉस्पिटल में है, बाहर हैं, कहाँ पे हैं? अभी हॉस्पिटल में है जी, उनका ऑपरेशन हो गया है। ओके, बाकी हॉस्पिटल में अभी गुप्ता मेडिकल है अपने 14 सेक्टर के अंदर। जिन्होंने वारदात की है उनके साथ कुछ पुलिस ने क्या मुकदमा दर्ज किया है या उनको पकड़ने की कोशिश की है, क्या आपको स्टेटस अभी? अभी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, कोई मुकदमा दर्ज भी नहीं, मुकदमा दर्ज हो गया है, फायर दर्ज हो गई है, लेकिन पकड़ने के नाम पे कुछ भी प्रशासन नहीं कर रहा। वे खुले घूम रहे हैं, अपने घर के अंदर है, सुरक्षित है, और प्रशासन ये पता नहीं किस चीज़ की बात देख रहा है कि भाई इससे बड़ा कोई हादसा हो तभी हम गिरफ्तार करेंगे। प्रशासन इस तरह की मतलब सोच रखता है। तो अभी आपकी क्या जो है मांगे हैं वो? हमारी मांग है जी, पहले जो दोषी लोग हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा ये आंदोलन और लंबा चलेगा। सारी जिम्मेवारी यहाँ के जो मुखिया है, कमिश्नर साहब बैठे हैं, डिप्टी है या मेयर साहब है, उन लोगों की जिम्मेवारी है। कल को तो किसी भी कर्मचारी को हानि पहुँचा के ना रुवा सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो ऐसा हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा जो साथी है कर्मचारी है, हम मेहनताना बेचने के लिए आते हैं ना कि अपना कुछ और। तो इसलिए हमारी तो ये मांग है कि भाई समय रहते हुए या तो प्रशासन ट्रेन लेकर उनको गिरफ्तार करवाएं, अन्यथा हम शहर के लोगों से माफ़ी भी चाहेंगे कि हमारी मजबूरी है हड़ताल करना, हमारा कोई शौक नहीं है। ये लोगों से यह अपील करेंगे कि न्याय की लड़ाई है, इसको न्याय के अंदर पब्लिक मैनों से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा सहयोग करें, क्योंकि गायें हर किसी को मारने में तुली हुई हैं, लेकिन जो आप आवारा समझते हैं वो सारी पालतू गायें हैं, शाम को दूध निकाल लेते हैं, सवेरे निकाल लेते हैं और फिर दबा देते हैं, किसी को मारो किसी को छोड़ो, कहीं बुजुर्गों की टक्कर मारी है, कहीं बहुत सारे महिलाओं को कोई टक्कर मारी, जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी तो शायद ऐसा कुछ है। जुर्माना तो यहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं शहर में से और गौशाला में ले जाते हैं, वहाँ छोड़ के आते हैं, वहाँ जो भी वो पर्ची काटेंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन ये निगम जुर्माना नहीं लगाता उनके ऊपर कोई। निगम के आधार पर ही जी वो। अच्छा, गौशाला निगम ने बना के दी हुई है, अब जैसे जो मित्र है बुद्धिजीवी लोग है वो उसको चला रहे हैं जी, तो पहले हमारे निगम के कर्मचारी वहाँ कार्य करते थे जी। तो अब प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करें फिलहाल तो हम कि समय रहते उनको जल्दी गिरफ्तार करवा दिया जाए, अन्यथा ये आंदोलन पूरे जिले में भी जा सकता है और स्टेट में भी जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, तो ये है नगर निगम की तरफ से जो मांग उठाई गई है, उनके ऊपर कार्रवाई के लिए पुलिस की तरफ से मुकदमा जरूर दर्ज किया गया है, लेकिन जो अपराधी है उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और दूसरी समस्या ये है कि जो लोग अपने घरों से छोड़ते हैं, आवारा पशुओं को छोड़ देते हैं, उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, या तो वो शहर से बाहर अपने गाँवों में या कहीं और पशुपालन करें, क्योंकि शहर में शहरवासियों को हर दिन जो गायें हैं वो टक्कर मारती है। आपकी क्या राय है फिलहाल कमेंटों के माध्यम से बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नई न्यूज़ नई रिव्यू के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।